बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हो तो तुम्हें चाहिए लोगों के लिए पानी पिलाने का इंतजाम करो ताकि तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन जाए। एक और हदीस में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कयामत में पहला शख्स जिसे अल्लाह सुबहानहू तआला की जानिब से अजर दिया जाएगा वो प्यासों के लिए पानी का एहतमाम करना है। प्यासों को पानी पिलाने का बहुत अजर बयान किया गया अपने लिए और मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। साद बिन उबादा की वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपनी वालदा के लिए सबसे बेहतरीन इसाले सवाब क्या करूं, तो उन्होंने बयान फरमाया कि तुम प्यासों के लिए पानी का एहतमाम करो। तो इसी तरह से अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान करीम में इशारा फरमाया कि हमने पाकीजा पानी नाजिल किया आसमान से, तो अल्लाह पानी फराहम करने वाला है और अगर हम उसमें कोई वसीला बन जाए उन बंदों तक पानी पहुंचाने का कि जिनके लिए पानी पहुंचाना और हासिल करना सख्त और मुश्किल है, तो ये बहुत बड़ी इबादत और नेकी है। वर्ल्ड फेडरेशन ने हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम अपील के जरिए से एहतमाम किया पाकिस्तान के उन इलाकों में कि जहां पर पानी इतनी आसानी से मैसर नहीं आता, उन्होंने उसके लिए एहतमाम किया है। एक रिवायत है कि अल्लाह सुबहानहू तआला बास बंदों से कयामत में कहेगा कि ए आदम की औलाद, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी क्यों नहीं दिया? तो ताज्जुब से कहेंगे कि परवरदिगार, तू तो आलमीन का रब है, तूने हमसे कब पानी मांगा कि हम तुझे पानी देते? तो अल्लाह ताला कहेगा कि क्या मेरे फला बंदे ने तुमसे पानी नहीं मांगा था और तुम उसे पहुंचा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं पानी पहुंचाया तुमने? तो बस जो उसने तुमसे पानी मांगा था वैसा कि जैसे मैंने तुमसे पानी मांगा था। सुभान अल्लाह। खास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो हमारे एक कल्बी निस्बत है हमारी, तो उसमें जो तशनगी के मसाइब है वो शायद एक मोमिन उससे बढ़कर कोई और महसूस ना कर सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब अशआर है जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से उन्होंने फरमाए थे कि राहे कूफा और शाम में कोई चाहने वाला हमारा मिल जाए तो उससे कहना कि शीअती महमा शरब तुम माद बिन फजकुरूनी, ऐ मेरे शियों जब भी तुम्हें मीठा पानी मिल जाए तो मेरी प्यास को जरूर याद करना। और समय तुम बे गरीब इन शहीद इन फंदबूनी, और या किसी गरीब और शहीद का जिक्र सुनना हो तो मुझ पर जरूर नुजबा और फरियाद करना। और फिर इमाम ने पानी के हवाले से बयान फरमाया कि लई तकुम फियाउ में आशूरा जमी तंदुरूनी, ऐ मेरे शियों काश तुम करबला के मैदान में होते तो तुम देखते कि कई फस्तिस्कील तिफिन पर अबाउ यरहमूनी, कैसे तुम्हारा मौला छह महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, पानी पिलाने वाला तो कोई नहीं था, तीन भाल का तीर चला और हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम बाप के हाथ में सिबा हो गए। तो बस उन्हीं हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के तसद्दुक और सदका, उनके नाम गिरामी से एक वाटर अपील तमाम दुनिया के मोमिनीन के लिए है कि उसमें आगे आए, तावन फरमाए ताकि हम खल्के खुदा तक पानी आसानी के साथ पहुंचा सकें। इंशाअल्लाह आप इसमें तावन फरमाएंगे अपने लिए और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।